हेलो एंड वेलकम टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ सिल्वर बुलेट प्रोग्राम। और आज हम थोड़ा टॉपिक चेंज करेंगे। सो आने वाले लेक्चर्स इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बजट के एमसीक्यूज के ऊपर फोकस्ड होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पहला ये है कि स्पिरिचुअल सर्किट जो भारत सरकार द्वारा जो है वो एक स्कीम बनाई गई है 100 करोड़ की, उसके अंतर्गत कौन सा स्थल हिमाचल का इसका पार्ट नहीं है। सो आंसर इज हिडिम्बा टेम्पल। और इसके अलावा आपको बाकी टेम्पल्स के बारे में जानकारी चाहिए, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी का ग्रोथ कितना होगा 19-20 में, उसका एक्सपेक्टेशन इज 5.6%। नेक्स्ट इज दृष्टि हिमाचल 2030 जो डॉक्यूमेंट है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हालांकि काफ़ी चॉइसेस इसमें सूटेबल लग रहे हैं, बट आंसर इज 3 SDGs। आपको बताना है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इनमें से कौन सा हिमाचल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट है। सो आंसर इज चंबा, और हिमाचल का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में सम्मिलित है। एनुअल प्लान के बारे में आपको बताना है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट सारे करेक्ट हैं, बट क्वेश्चन कहाँ बन सकता है। प्लान का साइज कितना है, कितना परसेंट ज़्यादा है इस बार, और फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल सब प्लान ये कितनी अमाउंट है। तो ये 3 क्वेश्चन खासकर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सवाल आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सा पोर्टल है जिसने लाल फीताशाही को कम किया काफ़ी हद तक, और जो समय लगता है गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर करने में। सो आंसर इज प्रेटी सिंपल, दैट इज हिम प्रगति। नेक्स्ट इज आपको इनकरेक्ट बताना है फिनेंस कमीशन जो रिकमेंड करता है अमाउंट हिमाचल के लिए, 13th ने किया था 4,300, 14 ने किया है 14,407, और 15th लेटेस्ट जो है रिकमेंडेशन दैट इज फॉर 19,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। इसको याद करना इजी है, 14 एंड 14। सो ऑल आर करेक्ट। आपको बताना है कि हिमाचल का रैंक SDGs का जो इंडिया रिपोर्ट था 19-20 का, उसमें कितना था केरला के बाद। सो आंसर इज 2nd। आपको बताना है कि ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट जो हैं 250 वाट के, जो 1,000 हाउस होल्ड को सर्व करेंगे, ये कौन सी वैली में लगाए जाएंगे। सो आंसर इज पांगी वैली। इसके अलावा यू कैन ट्राई आवर बुक्स फॉर प्री एंड मेंस लाइक हिमाचल 360, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में 120, इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, जो HS मेंस और अलाइड के मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इलियस 270 HS मेंस 1-3 इंक्लूडिंग हिमाचल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इसके अलावा हिंदी 360 का एडिशन भी उपलब्ध है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फूड सब्सिडी कितनी रहेगी 2021 में हिमाचल में अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज 230 करोड़, विच इज सिग्निफिकेंट अमाउंट। फिनांसिंग का जो इरिगेशन स्कीम है वो कौन से क्षेत्र में पूरी होनी थी, ये बन रही है। सो आंसर इज नूरपुर क्षेत्र, बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसमें। स्टेट गवर्नमेंट एक कॉर्पस क्रिएट करेगी जिसका नाम क्या है, जिसमें सीड मनी या इंटरेस्ट सबवेंशन या क्रेडिट गारंटी कवर फार्मर को दिया जाएगा। सो आंसर इज कृषि कोष। एक नई वैरायटी हींग की आइडेंटिफाई की गई है, आपको बताना है वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है। देखिए ये तीनों चारों इंस्टीट्यूशन लॉजिकल लगते हैं, बट आंसर इज IHBT पालमपुर, एंड दिस इज CSIR इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज कृषि से संपन्नता योजना, ये इसका पर्पस क्या है, कौन सी 2 मेन क्रॉप्स को इसमें टारगेट किया गया। सो आंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज सेफरिन एंड हींग, जिसको एस्पिरेटेडा भी बोलते हैं। खुशी योजना ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, सो अगेन देख के कहना मुश्किल होगा, बट इट इज के फॉर कृषि नॉर्मली आंसर होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट को ताकि असिस्ट किया जाए एग्रीकल्चरलिस्ट या हॉर्टिकल्चर के लोगों को, ताकि वो एरोमेटिक प्लांट का
कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कर पाएँ? सो आंसर इज महक, एरोमा महक से एसोसिएटेड वर्ड है. आपको ये बताना है कि कौन सी स्कीम, MUP वाली जो स्कीम है, ये किस क्षेत्र से एसोसिएटेड है, कहाँ पे फोकस कर रही है? सेरिकल्चर यानी सिल्क कल्चर, एपिकल्चर यानी बी कल्चर. सो आंसर इज एपिकल्चर, मधु उत्पादन एवं प्रसंस्करण योजना. नेक्स्ट इज IRCA, ये कहाँ पे खोला जाएगा ताकि कलेबोरेशन की जाए रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ड्रग एब्यूज. सो ये कितने डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा IRCA? आंसर इज 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल. कौन सी स्कीम सिर्फ पायलट बेसिस पे अभी जो वेटनरी सर्विसेज फार्मर्स के द्वार पे पहुंचाएगी? स्कीम इज मूव्स, मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा. गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है पर्वत धारा टू रिजुविनेट द पानी के जितने भी सोर्सेज रहते हैं उनको रिचार्ज करने के लिए. लेकिन इस स्कीम को कौन सा डिपार्टमेंट चलाएगा? फॉरेस्ट, IPH, एग्रीकल्चर या एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सो इंटरेस्टिंगली आंसर इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि ये स्कीम मेनली फॉरेस्ट में ही चलेगी. सो ये एक गूगली क्वेश्चन हो सकता है. कौन सी नई स्कीम है जो कि मनरेगा वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए और दूसरी गार्डनर गार्डन जो रहते हैं या हमारे रास्ते रहते हैं उनको बेहतर करने के लिए बनाई जाएंगी? सो आंसर इज उन्नति एंड पंचवटी. सो दैट इज इट. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू नीड मोर यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेस्ट सीरीज ऑफ HS प्रीलिम्स एंड दैट इज अ डिस्काउंट एट दिस पॉइंट इन टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ट्राई अवर मैगजीन. सो दैट इज इट इन टुडेज डिस्कशन. प्लीज जॉइन अस एट फेसबुक ऑल्सो. गुड डे.